ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने क्या किया था कि हम लोगों क्या डिस्कस किया था कि वाई कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई ओनली कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई इंसुलेटर्स कैन नॉट। मैंने रीजन बताया था बिकॉज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स बट इलेक्ट्रॉन्स इन द इंसुलेटर्स आर नॉट फ्री, दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो किस टाइप से मूव कर रहे होते हैं जब स्विच ऑफ रहता है। किसी एक वायर की बात करते हैं, जैसे एक वायर है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड से लेकर जो स्विच से लेकर किसी जैसे फैन तक जाता है, जो वायर जाता है उस वायर में, क्योंकि जो वायर है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे ये हो गया वायर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस टाइप से रैंडमली मूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा होगा तो एक इस साइड जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन साइड जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ जा रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब भी ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये करंट जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेगा। जैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये भी करंट जनरेट करेगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है इसलिए दोनों एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट हो जाएगा जीरो इन दोनों की वजह से, तो इन दोनों ने एक दूसरे करंट को कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे इन 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 दो इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, ये भी एक दूसरे करंट को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इस साइड जा रहा है उसके अपोजिट ये जा रहा है ये कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे ही दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट हो जाएगा जीरो। तो जब भी स्विच ऑफ रहता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के करंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस वजह से नेट करंट क्या हो जाता है, नेट करंट जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू जीरो रहेगी, कब, जब स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन जब स्विच ऑन होगा तब क्या होता है, स्विच ऑन होने पे कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, देखते हैं क्या होता है स्विच ऑन होने पे। जैसे ये हो गया कंडक्टर और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कनेक्ट कर दो एक बैटरी के साथ में, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके साथ में एक की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। अब जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे, डॉट का मतलब स्विच क्लोज हो गया, मतलब स्विच ऑन हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन फ्री नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, देखो किस साइड मूव करता है फिर ये, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस टाइप से मूव करते हुए आ रहे होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस टाइप से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये मूव करते हुए आ रहे होंगे इस साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे को दूसरे के करंट को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है एक, जब स्विच ऑफ रहता है तो एक दूसरे करंट को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि कोई एक डायरेक्शन जा रहा होगा तो कोई इसके अपोजिट जाता है तो करंट कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है सबके सब एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये जनरेट करेंगे करंट, लेकिन जो करंट है करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट माना जाता है, मतलब कि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव करते हुए आएंगे, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे इन हो रहे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अपोजिट जाएगा करंट, तो करंट हम लोग इसके अपोजिट मानेंगे, ऐसे ये डायरेक्शन होगा करंट का और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे इन हो रहा है तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आउट, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई आउट होगा, यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगा और यहाँ पर इन होगा, फिर यहाँ से मूव करते हुए ऐसा आएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा, ये इन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट करंट जाता है, तो करंट कैसे जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव से आउट इस टाइप से आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा इन, मतलब करंट यहाँ पे क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस करंट के डायरेक्शन को बोलते हैं, इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ऐसा क्यों है कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों है, एक्चुअली करंट पहले डिस्कवर हुआ था और इलेक्ट्रॉन बाद में, लगभग दोनों में 30 ईयर्स का डिफरेंस है, इसकी वजह से हम लोग जो पहले 30 ईयर्स पहले करंट का डायरेक्शन मान लिया गया वही अभी भी मान के चलते हैं हम लोग। तो ये करंट के कौन से डायरेक्शन है, ये करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है। अब देखते हैं कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट को जब भी डायग्राम में शो करना हो, कैसे होगा इलेक्ट्रिक करंट को, बैटरी के पॉजिटिव टर्म से करंट क्या होगा, आउट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना कूलम चार्ज क्रॉस करेगा किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे अगर मैंने सपोज कोई स्टूडेंट है, सपोज डेविड है कोई, ठीक है, कोई स्टूडेंट डेविड, अच्छा सा नाम है डेविड, तो उसको मैंने बोला जरा चेक करना इस क्रॉस सेक्शन पे, इस सर्कुलर पोर्शन पे जरा काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। अगर उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, टाइम कितना लेके चलना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, उसको अगर उसने काउंट कर लिया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज टू एन ई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गए और ई पता है, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो यहाँ से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेबिट जो स्टूडेंट है उसको मैंने बोला यहाँ पे जरा चेक करना कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस बैटरी कनेक्ट करने के बाद, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए। अब वो बैठ के काउंट कर रहा है, काउंट करके उसने बता दिया कि सर टोटल 10,000 इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया, जितने भी क्रॉस किया होगा, एग्जाम्पल लेना 10,000, तो एन की वैल्यू वो काउंट कर लेगा, एन की वैल्यू पुट करेंगे, ई पता है, तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा कैलकुलेट। तो अगर चार्ज कैलकुलेट हो गया, टाइम 1 सेकेंड है, तो आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना कूलम चार्ज किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और यूनिट क्या हो सकती है, I को क्या है, क्यू बाई टी, चार्ज का होता है कूलम और टाइम का सेकेंड। तो एक और यूनिट लिख सकते हो, लेकिन वो SI यूनिट नहीं होगा, क्या लिख सकते हैं उसको, कूलम पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग उसमें दे रखा होगा करंट, मिली एम्पियर में दे रखा होगा, माइक्रो एम्पियर, तो मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को,
वन एम्पियर, या फिर इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, इसे नोट करना, नोट कर सकते हो। देखते हैं वन एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज वन एम्पियर। तो आई की आई को क्या है, क्यू बाई टी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू वन कब आएगा, अगर कहीं पर वन कूलम चार्ज हो और वन कूलम चार्ज पास हुआ वन सेकेंड में, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर डिविन ने काउंट किया, उसने क्या बताया कि सर वन सेकेंड में वन कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आई कितना आ जाएगा, इस केस में आई कुछ हो जाएगा, आई होता है क्यू बाई टी, क्यू वन है और टी भी वन है, कितना हो जाएगा वन, और यूनिट क्या होगी वन मतलब एम्पियर। तो आई वन एम्पियर कब हुआ, जब वन कूलम चार्ज क्रॉस किया, कितने टाइम में, वन सेकेंड में। तो वन एम्पियर या फिर यूनिट ऑफ करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट ऑफ करंट और वन एम्पियर कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर, करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन वन सेकेंड। तो किसी भी टाइम पर हम करंट को वन एम्पियर कब बोलेंगे, अगर उसमें क्या हो रहा है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से वन कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है वन सेकेंड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, वन एम्पियर। तो वही करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन वन सेकेंड। ठीक है, तो अगर यहाँ से वन कूलम क्रॉस कर रहा है वन सेकेंड में, मतलब इस वायर में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वन एम्पियर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर से मेजर करते हैं और इसका सिंबल होता है ऐसे ए, आगे हम लोग सिंबल स्टडी करेंगे। तो एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिकल करंट को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारे कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जब भी स्विच ऑफ रहता है इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन मूव करते हैं, बट नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।